हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिषेक साक्य एंड आई एम स्टडिंग एमबीबीएस फ्रॉम नॉर्थन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि उनको लैपटॉप लेना चाहिए कि आईपैड। अगर मेरा देखें तो मैं तो आईपैड ही यूज़ करता हूँ। मैंने लैपटॉप लिया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हुआ। फिर मुझे इन द एंड में आके आईपैड लेना पड़ा, क्योंकि हमको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उसमें नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं जो कि लैपटॉप में तो बन नहीं पाएंगे। इसलिए आईपैड में नोट्स मेकिंग बहुत इजी रहती है, और सबसे बड़ी बात इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। आपको इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी रीड कर सकते हैं, पीडीएफ्स वगैरह बुक को कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ में आईपैड बहुत अच्छा है, इसकी बैटरी चल जाती है आपका 1 से 2 से 3 दिन चल जाती है। और हाँ, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है कि आप ये प्रेप लैडर और मेरो जैसी ऐप आईपैड या टैबलेट में यूज कर सकते हैं, लैपटॉप में आप उसे नहीं यूज कर सकते हैं। और बताना चाहूँगा, हाँ, पीपीटी वगैरह आप बनाने में भी आईपैड से आई थिंक जल्दी बन जाती है। लैपटॉप में आपको पूरा कर्सर वगैरह सब कुछ देखना पड़ेगा, इसमें तो जस्ट क्लिक करो, कॉपी पेस्ट करो, आईपैड में ये जल्दी बन जाती है। तो मेरे ओपिनियन देखा जाए तो एज आई मेडिकल स्टूडेंट आई प्रेफर आईपैड। तो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन सा आईपैड यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास है ये आईपैड 9th जनरेशन। ये मुझे पढ़ाता है ये 30,000 INR का। और आप अगर आपका बजट अच्छा हो तो आप ले सकते हैं आईपैड एयर 5, वो आपको पड़ जाएगा 55,000 का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यूनिवर्सिटी या स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।